लेखी रूप से सहमति देन, तहसीलदार सहमति देवे तां करके जो कोई मसला हल होवे, परचा ना होवे। तो यही सीगा भी लिखती रूप दे विच हो जे ते भी अही आउण वाले समय च भी अग लाउणी है, तां करके हाँ ला लकीर करके बई जी पूरा ही डर आ। अग लाउण तो पहला धूआं दा सब तो पहला साडीआं अखां दे विच ही पैंदा, कारण जे सानूं गट्ठां वाली मशीन हुंदी सानूं आही लाउणी नहीं सी। फिलहाल जो है रात जो है प्रशासन अधिकारी इत्थों चले गए सीगे ते फिर असीं रात भी हुण इत्थे कट्टी है। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਉਣਵਾਲਾ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮਾਮਲਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਗਏ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਏ ਆ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਨੂੰ भी अज 6-7 दिन हो चुके हैं, अग लगी घट तो घट 7-8 दिन। पटवारी साहब ने इतने आ मौके पर आके जो नंबर से वो करने से मौके पर असी आके उन्होंने रोकया। रोकन के बावजूद सहमति हुई है, उन्होंने सहमति जताते हुए उदू बाद भी दोबारा फिर ये समझौते उन्होंने यही कहा भी इतने लिखती रूप च आके बूटा राम भी इतने लिखती रूप च आके देवे तो मसले का हल हो जाए। वो कहें भी इतने वो आ रहे हैं, उदू बाद नहीं पहुँचे, ना पहुँचने कारण ये मौके काम लम्मा पै चुका। न्यूट्रल अफसर है जी, वो साढ़े इतने एरिए का, उन्होंने ड्यूटी लाई है जी। हुण की मंग है अपनी? हुण यही मंग है जी, वो आके इत्थे लिखती रूप च सहमति देण, तहसीलदार सहमति देवे तां करके जो कोई मसला हल होवे, परचा ना होवे, तां करके। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਤ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਮੈਡਮ ਵੀ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਐਸਡੀਐਮ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਇੱਥੇ नहीं ਪਹੁੰਚੇ, ना पहुँचने के कारण संघर्ष लम्मा पिया। तां कि सानूं तां यही सीगा भी लिखती रूप दे विच हो जे ते भी असीं आउण वाले समय च भी अग लाउणी आ, तां करके हाँ ला लकीर करके बई जी पूरा ही डर आ, क्योंकि ना तां सानूं कोई बेलर दी सहूलत मिली आ। अग तां अगे भी कणक बिजाई लेट आ, सारे भरावां ने ही अग लाउणी है, ये साडी मजबूरी आ अग लाउणी। अग लाउण तो पहला धूआं दा सब तो पहला साडीआं अखां दे विच ही पैंदा, कारण जे सानूं गट्ठां वाली मशीन हुंदी तो सानू आही लाउणी नहीं सी अग। पहली गल तो जो अपना मीडिया है इन्हों का बहुत बहुत धनवादी है, जो साड़ी गल सरकार तक पहुँचाता है। मैं भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राह जिला श्री अमित प्रधान, ये साढ़े कल 8 बजे का जो काम चल रहा पटवारी साहब आए थे, उन्होंने असी इत्थे भालिया। उस तो बाद जो प्रशासन आया, वो प्रशासन नाल साड़ी 2 बारी सहमति बन रही थी। वो प्रशासन ही आस हुई दी कोई खैबर प्यास हुई दी, मैं ऐ नहीं करना, मैं ऐ नहीं करना। ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਡ ਅਫਸਰ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਸੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹੀ ਅੱਜ ਮੰਗ ਆ ਸਾਡੀ। कोई भी अधिकारी आके सानू भरोसा देवे तो लिखती रूप देवे, असीं धन्नवाद उस मामले। हुण तुहानू सुणाउणे आ कि बंधक बनाए गए पटवारी दा इस मामले च की कहना है। देखो जी, रात जो सारा प्रशासन ते उच्च अधिकारी आए सीगे, इन्हां ने अपनी जिहड़ी मंग है उन्हां दे सामने रखी सीगी। उस मंग बारे पूरी तरह तो असीं कन्फर्म नहीं हैगे कि इन्हां ने पूरी जिहड़ी अपनी मंग की रखी सी। ते पर फिलहाल जो है रात जो है प्रशासन सारे उच्च अधिकारी इत्थों चले गए सीगे, तो फिर असी रात भी हम इत्थे कट्टी है, तो सुबह के भी असी हम इत्थे हैं। तो फिलहाल तो प्रशासन वालों कोई इत्थे आया नहीं, तो ना ही इन्हों की मांग पूरी करने संबंधी कोई गल जी सानू जानकारी मिली है। जिहड़े प्रशासन के अधिकारी हो रहे थे, जिवें नैब तहसीलदार या एस डी एम मैडम आए थे, उन्होंने वालों आश्वासन कल दिता गया सी, पर उस तो बावजूद भी जो किसानों वालों हामी नहीं भरी गई। यार तुसी कमाल करी। हाँ जी उन्होंने वालों कहा गया सीगा कि जो मतलब लोकेशन ने उहदे ते कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, पर इन्होंने कुछ होर मंगा सी जिदे करके आपसी सहमति जिहड़ी सी दो धिरां दे विच नहीं बन पाई गई। हालांकि नायब तहसीलदार ते एसडीएम कोटकपुरा ने खुद मौके ते जाके किसानां नाल गलबात कीती सी, पर फिर भी किसानां ने बंधक बनाए गए पटवारी नूं नहीं छड्डिया। किसानां दा कहना है कि जदों तक उन्हां दीयां मंगां नहीं मन्नियां जांदियां धरना इसे तरह जारी रहेगा। फरीदकोट तो गुरजीत रोमाणा दी रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। होएगी किसानां दी गल, नवीं खेती मशीनां, बीजां ते बागां दी गल लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम naibtehsildar.com D5 चैनल पंजाबी। हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।